हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने सोचा अभी व्लॉग को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो कल गाइस आपको पता चल ही गया होगा, हमारे मामा जी की डेथ हुई थी। सुबह गए थे, कल शाम को आ गया था मैं और मम्मी को रुकना था, बट क्या हुआ मम्मी नहीं रुके, मम्मी मेरे साथ ही आ गए क्योंकि उनको ये था कि नन्नू घर पर अकेला रहेगा तो खाने पीने में दिक्कत होगी, अभी बीच बीच में जाते रहेंगे। और फिलहाल मम्मी क्या हाल चाल? बढ़िया। और हमारे इलेक्शन भी आ गए तो हमारे को ना ये स्लिप्स भी दे गए इलेक्शन वाले की, ये वोटें पड़ेंगी। ये भी मम्मी 1 जून को है ना, 1 जून को आपको जाना भी उधर है ना? क्या अच्छा अच्छा। और गाइस थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि आजकल फैन चलते हैं और एसी को चलाया अभी, और अभी जस्ट मैं शॉवर वगैरह लेके आया। मैंने सोचा कि अपने वॉक को स्टार्ट करो, कितनी देर बैठे रहना है ऐसे और काम करो, आपका मन लगा रहेगा और आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा लगेगा। और सुबह से मैं ऐसे नेगेटिव बना हुआ था, मतलब नहीं नहाया था, तो मैंने नेगेटिविटी उतारी और पॉजिटिव हो गया, भगवान के घर आ गया। हे प्रभु सुबह छोटे करना। ओ कान्हा जी आपको मिल रहे थे, एक्चुअली कान्हा जी मैं बताता हूँ आपको कहाँ है। कान्हा जी हम ना दोपहर को सो रहे थे ना, तो हमने यहाँ पे रख दिए थे अपने साथ एसी में, चलिए अभी मंदिर में क्योंकि इनको भी गर्मी लगती है ना, आस्था है अपनी अपनी। और मम्मी ने आज व्रत रखा हुआ है क्योंकि आज पुण्य है, तो इसलिए मेरा भी आज फास्ट ही रखवा दिया एक तरह से। बट क्या हुआ कि मैंने मम्मी को ना बना के बनाना शेक और अच्छा लगा, अभी दोबारा पूछ लेता हूँ, एक ग्लास पड़ा हुआ है पी लेना चाहिए। मम्मी कह रहे कि मेरे को मैंगो शेक बना दे, मैंने कहा मम्मी मैंगो शेक तो आपको बनाया था, कह रहे फिर बनाना शेक बना दे, मैं कह वो भी होता है बनाना शेक, कह रहे अच्छा वो भी होता है, मैंने कभी पिया नहीं, मैंने कहा लो मैं आपको बना देता हूँ। इस तरह से मम्मी की खातरदारी मैं करता हूँ और मम्मी खाना बना के मेरी करती है, जो चीज़ें मेरे को आती है वो मैं मम्मी को बना देता हूँ, जो चीज़ें मम्मी को आती है वो मेरे को बना के दे देते हैं, जैसे कि चपाती सब्जी। मम्मी शेक भी ना? नहीं मैं नहीं पीना, मैं खाना खाता हूं। अच्छा ठीक है, बस बस अभी मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं थोड़े से बाहर के कुछ खाऊंगा वो कर लूँ। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना पूछो मत, 43 डिग्री टेम्परेचर, अभी जस्ट 37 हुआ है और बिना एसी के रहा नहीं जा रहा, और ऐसे 2 मिनट बैठते हैं मॉइस्चर ही मॉइस्चर हो रहा है फेस पे। अभी मैं नहा के निकला बट ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे मैं नहाया नहीं, फिर से पानी के बीच में घुसा रहा हूँ। ऐसे जाम पे मज़ा आ रहा है खड़े होके, ठंडा ठंडा हो गया मैं कर रहे हैं प्रेस, कह रहे कि मैं कपड़े प्रेस करके रख लूँ, पता नहीं किस वक्त मेरे को जाना पड़ जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी जो सो के मैं फ्री हूँ, नहा के सो जाता हूँ, एक्चुअली बाहर गर्मी होती है, आज का टेम्परेचर 42 डिग्री, और बहुत दिनों से हमारी जो यूट्यूब की दुकान है कभी बंद हो रही है कभी खुल रही है, अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करें और आज हम भी अपनी दुकानदारी करके माल को बेचें बल्कि आप लोगों को दिखाएं। तो फिलहाल क्या है कि मैं और मम्मी अभी जस्ट उठे, मम्मी ने अभी सब्जी वगैरह बनाई, देखते क्या बनाई है। और दूसरी क्या बात थी, अभी मम्मी को बोलो मम्मी रेडी हो जाओ क्योंकि हमने ग्रोसरी लेने जाना है, अपने टाइम से ग्रोसरी हमारी लेने की सोच रहे थे और मम्मी भी बिजी होने वाले, आपको पता है उधर मामा जी के जहाँ जाना है, और आज खाने में अच्छा शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और मम्मी ने ये चम्मच भी बीच में डाल दिया, ये बाहर निकाल देता हूँ मैं। ओह हो गर्म 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 गाइस, ये तो मैंने अभी देखा हमारे यहाँ पे तो बूंदियों का छत्ता आ गया, मम्मी ये को छत्ता बना दी बूंदियों का, मम्मी ने नया सूट भी पहन लिया है ना, ये तो उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ जा रही है, मैं तो वीडियो में देख रहा हूँ इनको, किस किस को तंग कर रही है हमारे घर की ये पिंडे। और इसको मैं भगाऊंगा कहीं ना, एग्स वगैरह दे देंगी फिर दिक्कत हो जाएगी, अभी छोटा है तो भगा दूंगा, नहीं तो क्या होता है कि हमें ही टंक मारेगी, हमारी घर की पिंडे हमें ही टंक मारेगी, वो कहते हैं जिसकी बिल्ली जिसकी मैं हूँ, तो हम बोलते हैं जिसकी पूंडी उसको ही डंक मारेगी। गाइस इस आम के पेड़ को देखो, पहले हरे हरे पत्ते होते थे, एकदम से येलो येलो ऑरेंज और रेड रेड हो गई, पता नहीं कैसे, गर्मी की वजह से या फिर नए पत्ते आ रहे हो, नए तो नहीं लग रहे मेरे को, गर्मी की वजह से इसका कलर चेंज हो गया, इस पर आम तो नहीं लगेगा इसको। गाइस धूप बहुत है और मैं तब सोचा कि जब तक मम्मी आ रहे हैं मैं ग्रोसरी लेने जा रहे हैं तब तक गाड़ी को स्टार्ट कर दूँ क्योंकि मम्मी को ना आते ठंडा ठंडा लगे। ओए होए होए कर दी इसने तो मेरी, ऐसे करता हूँ मैं स्टार्ट गाड़ी, भागो रे भागो दूर भागो। ओह शीशे को ले नहीं मैंने, लेकिन इसके अंदर ना वो हो जाती है गर्म गर्म हवा, वो बाहर निकल रही है। इस मम्मी की शॉपिंग करते करते तबीयत क्या क्या हो गया मम्मी? हाँ क्या हो रहा है, क्या होता पाया
हैं अभी पीना कुछ नहीं पी लो खोलने उठो ले लो कोई कोल्ड ड्रिंक मन से ही हो जाएगा मम्मी को शॉपिंग करते करते ना तबीयत खराब हो गिर मत जाइयो साथ में रहियो चक्कर आंदे वे बोला हमारे की बिलिंग हो गई है जी वाली हो रही है और मम्मी इधर बैठ के बिलिंग करवा रहे हैं और भाई बिल भरना है मोटा मोटा मम्मी इधर कर रहे हैं कान्हा जी के लिए फैन सेलेक्ट एक्चुअली ये चार्जिंग वाला आप लोग भी बोल रहे थे ना कान्हा जी के लिए फैन लेना ये तो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है ये फैन मम्मी क्या करना फिर लेने हैं वो भी इन्ने का सही सीखा ये बढ़िया ये चार्जिंग कितने घंटे चलेगा चार घंटे की बैटरी पक्का वारंटी कितनी एक साल की ठीक है गाइस ये सेलेक्ट कर लेते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर है जो कि हमें यहाँ पे मिला अपनी फैमिली के साथ आए हैं और कैसे बढ़िया कान्हा जी गर्मी में रह रहे नहीं भैया ठीक है मम्मी जब मैं बड़ा लेके आया तब आपको पसंद नहीं आया था ये सही है ये परफेक्ट साइज है भी बजाज कंपनी का चार्जिंग वाला है ये तो पीछे लगे हुए बटन इसके केबल कहाँ है अच्छा ये सही है चार्जर टोटल शॉपिंग 8500 की और हमें मिली है 4 किलो चीनी फ्री तो गाइस हमने ग्रोसरी वगैरह ले ली और मम्मी कह रहे कि मेरे को बाहर का खाना खाना आज अंदर का नहीं खाना घर का मेरे को कोई बात नहीं आज मैं ना हमारे नियरेस्ट एक बार तो पहले भी आया था मैं मम्मी को लेकर ना फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे ये गोल्फ कोर्ट है यहाँ का तो बढ़िया लोकेशन है ये तो बैठने के लिए बिल्कुल खाली है हम लोग क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली जो गोल्फ वगैरह खेलने आते हैं ना उनको पता है ठीक है मम्मी ये वाली लोकेशन अच्छी है तो वहीं पर करना स्ट्रीट फूड यहाँ पे खाते हैं बैठ के स्ट्रीट फूड वाला तो नहीं है बस दो आइटमें मिली है हमें खाने के लिए या फिर स्नैक्स पे फ्राइड वो नहीं खाने हमें पाव भाजी मिल जाएगी और मैंने ऑर्डर दे दी 10-15 मिनट कहाँ बैठे हैं भैया यहाँ पे नहीं ये वाला वो हाँ मम्मी वहाँ पे बैठ जाओ ओपन में सही है ना हाँ। मजा आ गया भाई लाइटिंग है बस रश रुश है ही नहीं यहाँ पे कम आते हैं लोग है ना मतलब गोल्फ वाले आते होंगे लोगों को पता नहीं ना यहाँ का चलिए हम बताएंगे अपने वीडियो के थ्रू जो लोकल लोग है ना यहाँ पे आना जो गोल्फ कोर्ट है ना यहाँ पे आप ट्राई करना बड़ी सही लोकेशन है क्या बात है फैन चल पड़ा यहाँ बैठो मम्मी लोग आते हैं पार्टियाँ करते हैं जिनको पता है यहाँ पे कभी कंचन के साथ आएंगे यहाँ पे ना अनवीत को लेके आएंगे अच्छा मम्मी वो देखो सामने है चर्च ये देखो मैं कभी नहीं गया चर्च में ना बैठो आप आया मैं 2 मिनट में आप सैर करो मम्मी सुनो जब तक खाना बन रहा है ना आप सैर करो राउंड लगाओ भूख मेरे को भी लगी हुई है मम्मी खुश हो गए मम्मी को बाहर का खाना बहुत पसंद नहीं करते हम लोग लेकिन कभी कभार बाहर आ जाते हैं ना तो खा लेते कभी कभी मम्मी बोले कि मेरे को बाहर का मतलब डोसा वगैरह खाना वो भी खुलवा दूंगा पहले ये खा लेते यहाँ पे आए हैं और देखिए गाइस यहाँ पे आम लगे वो कितने बड़े बड़े शिवालिक गोल्फ ग्रीन्स यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो गए मम्मी आपके लिए फ्रेश मटेरियल आ रहा है दिन में आना बढ़िया लगेगा दिखाऊंगा हाँ शाम के टाइम 6-7 बजे देखो हम ही आए जहाँ पे मेरे को लगता है कोई नहीं आया वो अभी बस हाँ स्पेशल क्लाइंट नहीं जाने चलो कोई बात नहीं खाते हैं कहीं और जगह खाना ना पहले ये वाला जो ऑर्डर दिया ये खा लेते हैं ऐसे छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है बट गाइस जैसा भी ये लोकेशन बढ़िया है तो समझ नहीं है यहाँ पे मज़ा आ जाता है ये देखिए पेड़ देख के कितना बढ़िया लगता है यहाँ पे मम्मी वेट कर रहे हैं भूख लगी हुई है मम्मी को मन करता है यहीं पे सो जाए मंजर हाँ मच्छर खा रहे गाइस हमारा ऑर्डर आ गया बड़ी मुश्किल से खाओ और निकलो कहीं और खाते हैं डोसा नहीं पाव भाजी चना कच्चा आया ये पहले इसलिए टेस्ट कराया कि आज कच्चा रह गया कोई बात नहीं कोई ये इसमें साल्ट बता दो साल्ट कम ही करते हैं ना हाँ हाँ नहीं सही है कम ही खाते हैं ओके खाओ मम्मी करो फिर हाँ ये कैंसिल कर दी बताओ कैसा है ठीक है सोल्ट अच्छा गाइस हमने पाव भाजी ऑर्डर किया था पाव भाजी तो खाने में टेस्ट बट सर्विस बहुत स्लो है तो हम नई जगह पे जा रहे हैं ठीक है इनलिए आपकी वाली जगह पे ही आए हम चलो वहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए वहाँ भी बढ़िया ये रहा डोसा मम्मी ये पाव भाजी फिर से मंगवाई मैंने बटर बेस में हाँ
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के ना 8:15 हुए तो देखो कितने कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। और मैं आया हूँ छत पे पानी रखने के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आप भी छत पे पानी रखिए पक्षियों को। हमारे यहाँ पे तो मंकी भी आते हैं, क्योंकि हम लोग तो पी लेते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। वो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, सुबह 8 बजे इतनी तेज़ गर्मी होगी कितना भी होना मुश्किल हो रहा है। और बस कल रात मेरे को ये था, मैं वीडियो डाल के आपको पहुँचा दूँ, बट क्या हुआ, आ तो गए थे हम 8:30 बजे 9 बजे के करीब, बट मेरा स्टमक पेन ना खाने से पहले ही इतना होना स्टार्ट हो गया था, पूछो मत। फिर रात में मेडिसिन वगैरह ली अपने लोकल यहाँ से, फिर कहीं थोड़ा सही हुआ, मैं सो गया। अभी जस्ट उठा हूँ, पानी रखा, और फिलहाल मम्मी इधर चाय बना रहे हैं सुबह सुबह। क्या हाल चाल मम्मी जी? राम राम। चाय बन रही है हमारी सुबह सुबह, मम्मी कह रहे चाय पीनी है, मैंने कहा पी लेते हैं, वैसे गर्मी में अवॉइड करता हूँ। बस ये था। और फिलहाल गाइस मैं कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ, क्योंकि ना ही कुछ है मेरे पास, ना ही मैं बोलना चाहता हूँ। जितना बोलना था हमने बोल दिया। लाइट क्यों नहीं है? आई थिंक मेरे को लगता लाइट गई ना हो, तो जितना ज़रूरत होगा मेरे को टाइम टू टाइम मैं जहाँ पे बोलूँगा। अब सब कुछ है, आप शांति शांति रखना चाहते हैं, पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, बट हाँ जो अपडेट होंगे मेरे कोर्ट केस से रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जब इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ तो एक मैं भी बताना चाहता हूँ कि अभी कैसे इन चीज़ों को फेस किया एक लड़के ने इन फॉल्स केसेस को। और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं कि मैं इन चीज़ों को छुपाऊँ, और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और बहुत सी तरह मेरी तरह ऐसे लड़के सफ़र कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन होगी कैसे इन चीज़ों को डील करना है, क्या क्या आपको हरासमेंट्स होती है, क्या क्या किस तरह के झूठे एलिगेशंस लगते हैं, बस ये सब था। और कैसी हमारी न्याय प्रणाली है लड़कों के लिए, और बस और तो कुछ नहीं। और एक बात हो, तुम खुश रहो, ये बोलना चाहते हैं भाई, ना हम किसी तरह का किसी से लगाव रखते हैं ना रखेंगे, बस तुम खुश रहो अपनी अपनी लाइफ में, और मैं भी खुश हूँ। एक टाइम था बहुत परेशान हुआ सोचा, बट अपने आप को मैंने अब कहते हैं ना स्ट्रोंग बना लिया, सही बोला, समय के अनुसार डाल लिया। क्योंकि एक टाइम पे मैं सॉफ्ट था, भाग रहा था हो जाए, तब समय दूसरी तरफ कठोर चल रहा था, और सारी चीज़ें देख ली कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी और ऐसा मेस है ज़िंदगी में, तो हमने अपने आप को वक्त के अनुसार डाल लिया। और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, और जितना ज़्यादा होगा तो डट कर उन चीज़ों का बात करेंगे। और एक चीज़ और, अंकुश की दुकान बंद हो गई, एक अपना डियर हटर बोल रहे हैं भाई, अंकुश की दुकान बंद नहीं, आप लोगों के शब्दों से ही ना हम कंटेंट ऑन डालेंगे। अंकुश की दुकान भी बंद होती, शांत थे खुद अपनी मर्जी से, तो एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन कोई बात बोलती नहीं, तो जितनी मर्जी लंबी बात खींच लो खिंचा लो कोई ऐसी बात नहीं। तो चलिए फिलहाल कुछ ज़्यादा लंबा नहीं इस फ्लॉग को करना चाहते, समझने वाले समझ गए होंगे। और एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने चाहने वालों के लिए, अपने फरिश्तों के लिए, अपने सपोर्टर चैनल के लिए, कि आप लोगों ने एक सच का साथ दिया, और जिसके लिए आज हम कुछ स्ट्रोंग बना खड़ा रहा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, शायद कड़वी लगेगी, मेरे लिए हेटर्स चैनल ने मेरी फैमिली के लिए गंद बोला, आज तक भी बोलते रह रहे हैं वो। एक्चुअली ना जो मैं हूँ यहाँ पे दिखता हूँ साफ सुथरा, आँखें डाल के आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, और जो वहाँ पे स्टोरियाँ सुनाई जाती है ना अदर्स चैनल पे जो हेटर्स हैं, वो खुद की अपनी स्टोरियाँ होगी उनकी, या जो भी उनको बताता होगा जो खुद की अपनी होगी। बस इतना बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे। और बाकी अगर आप किसी को सोचते हो कि ऐसे झूठी स्टोरियाँ सुना के, मैनिपुलेटिव स्टोरियाँ सुना के कि आप किसी को गुमराह कर लोगे या करवा लोगे, तो कुछ ही लोग होंगे आपकी तरह सब ने, और कौन कैसा है कौन कैसा नहीं ये सोशल मीडिया पे भी अच्छे से पता है। और मैंने तो अपने घर के एड्रेस तक बता रखे हैं यहाँ पे, बोल के भी दिखा के भी, उसका मेन कारण यही था कि आप सोशल मीडिया पे झूठ सच बोला जा सकता है ना, आप खुद आइए
मेरे एरिया में चेक की पूछी, क्योंकि कॉन्फिडेंस है मुझे, मुझे अपनी फैमिली पे, अपनी रिश्तेदारी पे, अपने समाज पे, तो मुझे डर नहीं लगता। बाकी रही 22 तारीख, 22 तारीख वाकई बुरी थी, क्योंकि 21 तारीख रात को 12:30 बजे 22 ही होगी, मामा जी की डेथ हो गई थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरा फ़ोन आया, अलग लगा। उस दिन मेरी हेयरिंग भी थी। मैंने कहते हैं ना कि जब किसी को परेशानी होती है ना, वो आगे बढ़ता है। मैंने अपने सारे इन चीज़ों को वक्त दिया, जब देखा कि नहीं, ज़िंदगी में ऐसे ही है, दिखावा है, तो अंकुश थोड़ा कूड़ा कूट बन के तू अपने इमोशन सब रख, बट इमोशनली फूल मत बन। और इमोशनली फूल बन रहे थे हम, और आप लोग भी अभी बन रहे हो। तो हमने ठोस कदम उठाए, और बस उसकी हेयरिंग थी। ये ठोस कदम वही उठाता है जिसको प्रॉब्लम होती है। मुझे लगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। अगर हम अपने जज साहिब के सामने बताएं ना कि हमें ये प्रॉब्लम, तो वो कहते कि आप एक डिसीज़न लो, तो यही बोला गया था। लेकिन जिसको होती है ना प्रॉब्लम, वो लेता है, समझ गए। जिसको नहीं होती ना, वो नहीं लेता, उलट खाता है। एलिगेशंस मेरे ऊपर लगे गंदे गंदे, ये ऐसे वैसा। भाई जिसको प्रॉब्लम थी तो वो आज तक क्यों नहीं हुआ? यही तो आज तक जज साहब ने बोला, मैजिस्ट्रेट ने बोला, SDM कोर्ट में बोला। पर वहाँ पे जब बंदा चेंज होता है ना, नहीं नहीं नहीं, तो वो समझ लेते कि जब बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन अब हमने ठोस कदम लिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी और रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहते हैं, रिस्पेक्ट। और बस ये था, समझने वाले समझ गए होंगे। बाकी जो रे लोटे अनाड़ी फरिश्ते, उन्होंने क्या बोले, गंदी जुबान रखेंगे, गंदा बोलेंगे, यही आपकी झोली में यही लेके जाओगे, ऐसे ही बोलोगे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ना मैं बोलना चाहता हूँ, और चाहे इसको डायरेक्ट समझो, इनडायरेक्ट समझो, बस यही है और कुछ नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में रास्ते चाहे ज़रूर अलग हो जाएं, क्योंकि अब मैंने पहले भी बोला था ना कि जो काम मैंने किया ना, वो कोई चाहता और था, उसकी खुशी के लिए हमने ये स्टेप्स उठाए। लेकिन आप लोगों के सामने ये लग रहा होगा शायद अंकुश, हाँ अंकुश अब मजबूत हो गए, क्योंकि उसने देख लिया कि ये चीज़ें लाइफ में चलेगी, और जो चाहता है उसको वैसे खुश रहने दो और रिस्पेक्ट के साथ जियो और जीने दो। बस ये था, आने वाले टाइम में जैसा भी होगा आप लोगों के साथ क्लियर होता रहेगा, और स्ट्रॉन्ग बन के जितना होगा उतना बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तो किसी चीज़ का मेरे को डर नहीं है, क्योंकि डर का ना एक लेवल होता है, मैं उन चीज़ों से निकल चुका हूँ। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक इज्जतदार बंदा ना तब तक चुप रहता है जब तक भात डकी रहे, जब सारी चीज़ें क्रॉस हो जाए ना, तो वो बंदा बेशर्म बन जाता है। तो मैं बेशर्म बन चुका हूँ, और मेरे को मैं पर फिर भी इज्जतदार बेशर्म बनाऊँ, उतना बोलूँगा जितनी जितनी बातें, पहल मैं नहीं करता। अगर बातें बढ़ेगी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, तो बेशर्म होने में मुझे कोई दुख नहीं है। एक बात बोल दूँ, जब नाचना ही पड़ जाए ना, तो मैं ये नहीं दुखूँगा कपड़े पहन के नाचूँ, ना नंगा होके नाचूँ, नंगा होके नाचूँगा, ना इज्जत रखूँगा, ना होने दूँगा। बाय बाय।